जी अचीवमेंट आ मैं बहुत खुश हाँ, सारी फैमिली बहुत खुश आ, आले दुआले पूरे इलाके में बहुत खुशी आ, और सारे इदा ही समझ रहे हैं कि उन्होंने फैमिली तो कोई जज बनया आ। बार कौंसल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने मैनू मैसेज आया जब मैं लॉ कंप्लीट की उस दौरान कि जेड़े नीडी बच्चे आ फीस नहीं दे सकते महंगे इंस्टीट्यूट की, उन्होंने फ्री कोचिंग दी जाएगी। जी जी मैं उन्होंने ही अपने असल गुरु मानती हाँ, क्योंकि उन्होंने तो बिना यह पॉसिबल नहीं सी, इन्ने गरीब घर तो उठ के कोई, मैं मानती हाँ कि लॉ कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, पर पीसीएस की जुडिशरी की तैयारी की कोचिंग चाहिए, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन रिजल्ट आया मैं रिजल्ट भी नहीं देखा सी, उन्होंने ही फोन करके रिजल्ट दसिया, और इंटरव्यू चली जा रही ने, एक इंटरव्यू वो ऐड हो गए, मैं बहुत ही खुशी हुई जो ही उन्होंने गल करते हैं, मैं बहुत ही खुशी होंगी है। देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब से, मैं थोड़े नाल सुनील गोगना। जिदा कि तुसी देखिया कि असीं अज कपूरथल दे मोहल्ला महताबगढ़ दे विच पहुंचे हन, इत्थे कि साडी शिवानी बेटी जिहड़ी कि कल जज बनी, एक बहुत गरीब परिवार तो बिलोंग करदे ने, इहनां दे जिहड़े मामा जी ने वो एक आटो चलांदे ने, उहनां ने देखो बेचारे ने एक दुक्कियां तिक्कियां पांच पांच रुपए दस दस रुपए जोड़ के उस बेटी नूं पढ़ाया, हुण इह बेटी दसेगी कि किदां दा इहनां नूं अज महसूस होया। मैडम पहलो तां स्वागत है जी स्काई न्यूज़ पंजाब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हाँ तुसी मैनू मौका दिता बोलन दा। जिहड़ी अचीवमेंट आ मैं बहुत खुश हाँ, सारी फैमिली बहुत खुश आ, आले दुआले पूरे इलाके विच बहुत खुशी आ, और सारे इदा ही समझ रहे हैं कि उन्हां दी फैमिली तो कोई जज बनया आ, इदा ही सारी खुशी नाल इत्थे आ रहे हैं साडे घर च। तुसी जदों जज बने ओ तुहाडी पढ़ाई दा खर्चा मामा जी ने चक्या किने चक्या, सानू थोड़ा जिहा इह वी विस्तार नाल दस्सो कि तुहाडे जिहड़े मम्मा डैडी आ ओह की करदे सन। सर मैं शुरू तो इत्थे ही रही हाँ इन्हां कोल ही, छोटे हुंदे तो ही, ते इन्हां ने ही मैनू पढ़ाया। पहलां तां मैं इत्थे एक सरकारी स्कूल च प्लस टू तक पढ़ी हाँ, बारहवीं तक, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी घंटाघर स्कूल जिहनूं कहिंदे आ, उहदे विच पढ़ी हाँ। उस तों बाद मैं LLB कीती, उह वी जिहड़ी आ कि स्कॉलरशिप दे थ्रू मैं कीती, SC स्कॉलरशिप जिहड़ी मिलदी आ SC बच्चिआं नूं उहदे थ्रू कीती, तां LLB तां कंप्लीट हो गई। सो उस तों बाद ये सीगा कि PCS दी कोचिंग लैनी आ, पर इन्ने सोर्सिस नहीं सी इहदे च, तां कोई स्कॉलरशिप भी कम नहीं करदी कि आपां उहदे च जा सकीए, कितें कोचिंग लै सकीए बिना फीस तों। पर एक मैसेज मैनूं आया एडवोकेट गुरिंदरपाल सिंह जी दा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे एडवोकेट ने, वो बार कौंसल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे चेयरमैन भी रह चुके ने, उन्हां दा मैनूं मैसेज आया जदों मैं लॉ कंप्लीट की उस दौरान कि जेड़े नीडी बच्चे आ फीस नहीं दे सकते महंगे इंस्टीट्यूट की, उन्होंने फ्री कोचिंग दी जाएगी। फिर उस तो बाद मैं उन्होंने गलबात की, तो मैं घरे भी गल की कि मैं उत्थे जाना चाहनी हाँ, फिर कहिंदे कि ठीक आ कोई नहीं आप जाने हाँ, तो उन्होंने इन्ना मोटिवेट किया, हर पक्षों मदद की, उस बच्चे जेड़े ही नीडी आ जेड़े नहीं पहुँच सकते इस मुकाम तक कुछ भी कारना करके गरीबी करके, वो यहोजे बच्चों नूं पढ़ाउंदे ने, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कभी कोई खर्चा नहीं होने दिता उत्थे, पढ़ाई का सारा रहन का किताबों का कोई खर्चा नहीं होने दिता, सारा उन्होंने किया, तो उन्होंने मैनू इत्थे तक पहुँचाया। जिस तरह मैडम देखा जाए कि असली गुरु माँ बाप होंगे ने, और तुसी जिद्दां गुरिंदरपाल जी की गलबात की, इस बार मुताबक असल गुरु तुहाडे गुरिंदरपाल जी हन। जी जी मैं उन्होंने ही अपने असल गुरु मानती हाँ, क्योंकि उन्होंने तो बिना यह पॉसिबल नहीं सी, इन्ने गरीब घर तो उठ के कोई, मैं मानती हाँ कि लॉ कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, पर PCS की जुडिशरी की तैयारी लिए कोचिंग चाहिए है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। जे वो फरिश्ता बन के मेरे जीवन च ना आते तो मैनू लगता कि मैं शायद एक वकील ही बन के रह जाती। चलो ये भी मैं गल टोकना चाहूँ, जिदा कि छोटे बच्चे ने गुडियां पटोलियां दे नाल खेडदे ने, सियाने दी कहावत आ, जदों उन्हां दी पढ़ाई हो जाती माँ बाप उन्होंने उंगल फड़ के चलना सिखाउंदा, मेलियां दे विच सब कुछ तमाशेबाजी उत्थे हो जाती है, कि ये सारा सारा कुछ तुहाडे मामा जी ने जो भी तुहानूं इत्थे शिक्षा दित्ती आ। हाँ जी हाँ जी, ये ड्रीम इन्हां दा ही सीगा वैसे, कि पहला मैं वकील बना, वह चाहते सी वकील बनना, कुछ कारना करके वह नहीं बन पाए, फिर वह ड्रीम उन्हां दा मेरे तक पहुँच गया, तो मैं सोचा कि मैं उन्हां दा सुपना पूरा करना है, जज बनने दा सुपना भी सी ते वह भी पूरा करना है। जज दी लाइन दे विच
ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਵਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਲਮ ਪੁੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਥ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਓਥ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਟੁਕਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੁਪਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਨੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਜੀਵਨ ਕਾ ਵਰਦ ਵਰ ਦੋ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਰ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਲੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ ਬਣੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੂਬੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਗੋਗਨਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ।